हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस एंस डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त स्पोकन करते हैं ना तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग बोल नहीं पाते बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होता है अब जब वाइल्ड स्पीकिंग वाइल्ड राइटिंग यू आर अनेबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वर्ड्स जिसमें हम किसी वर्ड्स को स्पीक नहीं कर पाए तो ताकि आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो आखिर वो कौन से शब्द हैं जो बोलने में प्रोनाउंस नहीं होते हैं वही शब्द मैं आपको आज और अभी पढ़ाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आपकी स्पीकिंग आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी तो पर्टिकुलर शब्द वो देखें और अभी इम्प्रूव करो मेरे साथ और कॉपी कलम लेकर लिख लो और न हो तो स्क्रीन ले लो ताकि दोबारा पढ़ने में हेल्प मिल जाए अब यहाँ देखो साइलेंट लेटर इन स्पीकिंग इंग्लिश साइलेंट लेटर इन स्पोकेंड स्पीकिंग इंग्लिश में काम आ जाएगा अब यहाँ ध्यान देते हैं कि साइलेंट लेटर इन English, silent कहां कहां होता है अब एम के बाद तथा टी से पहले का बी प्राय साइलेंट रहता है यानी एम, एम को देखो एम है ना एम के बाद और एम के बाद और टी से पहले ये टी लिखा है एम के बाद और टी से पहले टी से पहले का बी प्राय प्रायः साइलेंट रहता है यानी प्रायः का मतलब हो गया कि शब्द अक्सर जो है चुप रहेगा उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे कब नहीं करेंगे तो एम के बाद और टी से पहले अब बोल के चेक करते हैं अब देखो यहाँ लिखा बी ओ एम बी इसको हम बॉम्ब नहीं पढ़ते हैं इसको हम बॉम पढ़ते हैं तो बॉम्ब पढ़ते हैं बम नहीं बोलते बम मार दिया तो बम हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैसे क्या बॉम्ब अब बॉम्ब नहीं बॉम ये जो है बी चुप रहता है बी का उच्चारण नहीं होता है तो बॉम्ब लिखते हैं बॉम्ब पढ़ते हैं बॉम्ब लिखते हैं बॉम्ब 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 तो क्या बोलेंगे बॉम्ब तो ना बम हो गया अब देखो टॉम्ब टॉम का मतलब समाधि अब बोलेंगे टॉम यानी बी जो है देखो लिख दिया हूं हिंदी में भी बॉम टॉम तो टॉम जो है टॉम का हिंदी समाधि होता है यहां पे लिखते हैं टॉम्ब पढ़ते हैं टॉम क्लियर और देखो अगला वर्ड है सी ओ एम बी सी ओ एम बी कॉम कंगा कॉम नहीं बोलते कॉम कॉम मतलब कंगा तो देख लो एम के बाद भी क्या है चुप है हमेशा एम के बाद भी है कि नहीं चुप है अब देखो लैम लैम बोलते हैं लैम लैम मतलब मेमना इसको लैम नहीं बोलते तो लैम मतलब मेमना छोटे बकरे के बच्चे को लैम बोलते हैं और देखो डम डम मतलब गुंगा एम के बाद भी है कि नहीं थम थम मतलब अंगूठा तो एम के बाद भी है कि नहीं तो ये ध्यान रखना आपको कि एम के बाद बी प्राय चुप रहता है ये बात आपको ध्यान रखना है अगला वर्ड क्या है एन तथा एस से पहले पी साइलेंट रहता है एन तथा एस से पहले अब एन और एस दो लेटर है उससे पहले पी अक्सर चुप रहता है अक्सर साइलेंट रहता है अब देखो यहाँ पे पी न्यूमेनिया तो पी नहीं पढ़ेंगे पी को हटा दो क्या पढ़ेंगे न्यूमोनिया न्यूमोनिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज न्यूमोनिया तो शुरू होता है पी से तो पी अननेसेसरी आ गया है पढ़ेंगे क्या न्यूमोनिया अब देखो न्यूमेटिक्स न्यूमेटिक्स पी ए नहीं है ना तो न्यूमेटिक्स यहाँ पे क्या है पी साइलेंट है न्यूमेटिक्स कहते हैं इसका हिंदी होता है वायुशास्त्र या वायुचालित या वायुदाब तो न्यूमेटिक्स कहते हैं जो वायु प्रवाह होता है तो वायु प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे न्यूमेटिक्स वायुशास्त्र अब देखो कंडेमन कंडेमन नहीं पढ़ते कंडेम कंडेम का मतलब निंदा करना एन यहाँ पे चुप रहता है कंडेम मतलब निंदा करना कंडेम निंदा करना कंडेम बोलते हैं निंदा करना कंडेम कर रहा है शिकायत कर निंदा कर रहा है है ना आउटमन नहीं पढ़ते ऑटम पतझड़ तो ऑटम आउटम है ना तो टी सुनामी तो टी क्या चुप रहता है तो आपको ध्यान ही देना है कि जितने भी वर्ड होते हैं आप जब शुरू करते हो तो निमोनिया पी न्यूमोनिया नहीं पाते पढ़ते कंदेम मन नहीं पाते है ना न्यूमेडिक्स तो पी हमेशा क्या रहता है चुप रहता है तो आपको ध्यान रखना है कि किस लेटर के बाद कौन सा साइलेंट होता है और किसके बाद प्रोनाउंस करते हैं एक्चुअली क्या पढ़ रहा हूँ पता है आपको मैं सिखाने का प्रयास करूँ बेसिक ये कुछ पढ़ाने वाला वीडियो नहीं है ये बेसिकली आपको सिखाने वाला है एक्चुअली क्या है कि थोड़े थोड़े चीज़ सीखेंगे ना थोड़ा सा स्पेलिंग इंप्रूव होगा थोड़ा सा इसके बोलने का कला आएगा थोड़ा तो सा लिखने का कला आएगा किसी वर्ड को हम सही ढंग से नहीं प्रोनाउंस कर पाते तो पर्सनैलिटी डिफिशिएट कर जाती है आप छोटे बच्चे को समझाना हो तो कैसे समझाओगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपको आना चाहिए तो इसके लिए हमने क्या किया है कि आज एक लिया है किसी भी शब्द को जब प्रोनाउंस करते हैं तो आखिर कहाँ पे कौन सा लेटर चुप रहता है यानी साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स किसी वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है तो हमने बहुत ही छोटा सा आसानी सा आसान सा टॉपिक लिया है जो आप आसानी से बोल पाओगे अब देखो एल साइलेंट यानी एल चुप कब रहता है तो एम एफ के डी से पहले एल प्राया साइलेंट रहता है कौन कौन से पहले तो एम एफ के डी एम एफ के डी से पहले एल प्राया चुप रहता है हम एम एफ के डी एम से पहले एफ से पहले के से पहले डी से पहले एल प्राय चुप रहता है साइलेंट रहता है पहला बढ़ लिया पाम अब देखो पी ए एल एम पालम नहीं पढ़ेंगे पी ए एल एम पालम नहीं पाम तो पाम का मतलब हथेली पी ए एल एम पाम पाम मतलब हथेली पी एल एम पाम पाम मतलब हथेली पालम नहीं एच ए एल एफ हाफ हाल्फ नहीं हाफ मतलब आधा हाफ आधा बाम बी एल एम बाम बाम मतलब मरहम, जैसे मरहम लगाते हैं ना कहीं पे कट गया छिल गया तो मरहम पट्टी करते हैं ना तो बाम मतलब मलहम नहीं बोलते तो बाम लगा दो तो बाम मतलब मलहम हो मरहम हो है ना शाम अब देखो ए से पहले पी चुप रहता है तो इसको पी सालम नहीं पढ़ेंगे शाम ये पी चुप रहता है और एल भी चुप रहता है तो क्या बोलेंगे शाम पी शाम लिखते हैं पी शाम पढ़ते हैं शाम शाम मतलब भजन इसको याद कर लो शाम का भजन शाम मतलब भजन टॉक मतलब बातें करना इसको टॉक नहीं बोलेंगे बातें करना है ना बाकी देखो मॉडल्स में कुड है वुड है शुड है ना कुड वुड शुड है ना तो कुलट बोलते हैं वुल्ड बोलते हैं कुल्ड बोलते है, नहीं ना तो वुड कुड शुड तो सब में एल क्या रहता है चुप रहता है वुड कुड शुड सब में एल शांत रहता है अगला बार देखो Silent, के साइलेंट यानी के कहाँ रहता है साइलेंट तो के एन से पहले के साइलेंट रहता है के एन से पहले एन से पहले जो के आया ना वो सब चुप रहता है एन से पहले जो के आ गया सब चुपचाप रहेगा कैसे जैसे देखो के नो डब्लू कनो कनो नहीं पढ़ते नो नो का मतलब जानना आई नो यू यू नो मी तो जानना मैं तुम्हें जानता हूँ आई नो यू तो नो मतलब जानना नॉक के एन ओ सी की नॉक मतलब खट खटाना खटखटाते नॉक करते हो नॉक द डोर नॉक द डोर तो नॉक मतलब खट खटाना तो ये हो गया नॉक नाइफ नाइफ के मतलब छुरी चाकू को नाइफ बोलते हैं नाइफ मतलब चाकू छुरियाँ तो नाइफ मतलब चाकू के नाइफ नहीं बोलते नाइट नाइट मतलब योद्धा तो एन से पहले क्या रहता है कि साइलेंट तो नाइट मतलब योद्धा मुझे उम्मीद है कि आप सीख पा रहे हो आप बेहतर कर रहे हो अब हम लोग देखते हैं कि जीएच साइलेंट कहा आते जीएच है ना नी एच साइलेंट कहाँ रहता है तो जीएच यदि किसी शब्द के अंत में जीएच या जीएसटी हो यदि किसी शब्द के अंत में जी एच या जी एच टी धो रखा हो तो उस जी एच जी एच जो है वो साइलेंट रहता है यदि किसी शब्द के अंत में जी एच हो या जी एच टी हो तो वह शब्द प्रायः साइलेंट रहता ही रहता याद कर लो सब अब देखो हाई ऊंचा थाई जांग हाई थाई ब्राइट जितने है? तो हाई मतलब ऊंचा अब हाई एच आई जी एच सिर्फ यहाँ पे हाई से काम चल रहा है हाई मतलब ऊंचा शाई एस आई जी एच भरना शाही है भरना डिलाइट अब देखो डी ई एल आई अब डिलाइट जी एच ऊपर नहीं रहा तो डिलाइट मतलब आनंद डिलाइट कहते हैं आनंद को डिलाइट आनंद आनंद विस्मय है ना आनंद को डिलाइट बोलते हैं, खुशियां को ब्राइट चमकीला नहीं बिल्कुल ब्राइट कलर है चमकीला कलर है है ना यहाँ देखो टी दो टी एच जी एच दो ऑल दो तो दो बोलो या ऑल दो लोग इसको थो पढ़ लेते हैं थो नहीं पढ़ना है दो इसका इसका साउंड क्या है बस इतना दो ए में लगा दोगे ए एल तो हो जाएगा ऑल दो तो दो बोलो ऑल दो बोलो हिंदी होगा यद्यपि दो ऑल दो यद्यपि तथापि है ना फाइट युद्ध फाइट लड़ना फाइट हो गया युद्ध हो गया फाइट हो गया लड़ रहा है तो फाइट है दो है ऑल दो है थाई है हाई है है ना ये सारे वर्ड में जी एच जो होता है वो चुप रहता है साइलेंट होता है इसको आप ध्यान रखना अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि डी साइलेंट यानी डी लेटर कब होता है साइलेंट तो जी, जी से पहले डी अक्सर होता है साइलेंट यानी कि जी से पहले को डी हो जी जी है ना ए बी सी डी जी तो जी से पहले डी अक्सर क्या रहता है चुप रहता है जैसे एज अब इसको एडज नहीं पढ़ेंगे एडज नहीं पढ़ेंगे डी को चुप पढ़ो अब क्या पढ़ोगे एज, एज मतलब किनारा ब्लेड के किनारा को एज बोलते हैं लिखते हैं डी पढ़ते हैं एज एज मतलब किनारा यानी किसी चीज़ का किनारा हो न, उसे हम एज कहते हैं यहाँ देखो हेज हेज का मतलब झाड़ी हेज मतलब झाड़ी है ना ब्रिज ब्रिज का मतलब पूल ब्रिज मतलब पूल पूल को हम ब्रिज कहते हैं बजट बजट कहते हैं लेखा जोखा को बजट पास हो गया इसको बजट नहीं पढ़ते बजट मतलब लेखा जोखा लेजर बही खाता एल ई डी जी आर लेजर मतलब बही खाता तो डी चुप कम रहता है जी से पहले देखो हर जगह जी से पहले डी है कि नहीं तो जो भी जी से पहले डी है वह अक्सर साइलेंट होता है तो साइलेंट लेटर इन वर्ड्स तो जब लेटर क्या हो साइलेंट हो तो क्या लगाना ये ध्यान रखना तो इसके साथ आप करोगे तो आपका स्पीकिंग आपका राइटिंग बढ़िया हो जाएगा मैं तो कहता हूं कि दिल्ली आ ही जाओ अब दिल्ली दूर कहां है आप दिल्ली आकर के फेस टू फेस पढ़ाई करो बढ़िया से एक सिस्टमेटिक से आप दिल्ली आ सकते हो पढ़ाई करने के लिए अब अगर घर बैठे पढ़ना चाहते हो ना तो कोई इशू नहीं है घर बैठे पढ़ सकते हो कैसे तो आप, आप वेबसाइट पे जाओ डीएसएल इंग्लिश के वेबसाइट पे जाओ वहाँ देखो वीडियोज पड़े हुए हैं वहाँ से देख लो बहुत सारे वो कैप कैपड़े वहाँ देख लो और अगर चाहते हो पढ़ना बढ़िया से डिटेल तो डी का ऐप डाउनलोड करो उस ऐप को डाउनलोड करके विस्तृत क्लास आप पढ़ सकते हो डी इंग्लिश ऐप आप डाउनलोड करके डिटेल क्लास कर सकते हो बढ़िया से क्लास कर सकते हो विशेष कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट करो व्हाट्सअप करो फोन करो कहीं भी परेशानी हो डी के सारे बुक्स सारे क्लासेस आपको घर बैठे भी मिल जाएगा और दिल्ली आना चाहो तो दिल्ली अब दूर नहीं है थैंक यू वेरी मच